नमस्कार, वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी अब सीएम ठाकरे के रवैये और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे के नहीं मिलने का जिक्र किया है। तो खबर है कि आगामी शनिवार या रविवार तक महाराष्ट्र में नई सरकार बन सकती है। हालांकि असमंजस बरकरार है। चर्चा ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद 21 जून की रात देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया था और पैचअप करने की कोशिश भी की थी। तो उधर अभिनेत्री कंगना रनौत मुश्किलों में आ गई है। गीतकार जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रार्थना की है। इस बीच सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत मामले में पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या का है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बर्ताव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी सीएम ठाकरे के रवैये और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे के नहीं मिलने का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमवीए सरकार के साथ यह सफर काफी मुश्किल रहा है। समाजवादी पार्टी के भिवंडी पूर्व से विधायक रईस शेख ने कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार हमारे लिए मुश्किल सफर रहा है। सीएम ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार नहीं करने वालों के बीच असंतोष था। उद्धव जी यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा हिंदुत्व तुमसे अलग है। वही आदित्य भी बड़े स्तर पर झुकाव पैदा कर रहे थे, जहां वह आम आदमी पार्टी जैसी विचारधारा की ओर जा रहे थे। परिवार के बीच यह संघर्ष खुद ही सेना को बांट रहा था। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि उद्धव जी को लगता है कि सभी लोग उन्हें केवल इसलिए सहन कर लेंगे क्योंकि वह ठाकरे है। इसके चलते वह दूसरों को हल्के में लेने लगे। जब मैं उनसे राज्यसभा वोटिंग के लिए मिला तो कोई भी गंभीर चर्चा नहीं थी। जब मैंने उनके आसपास अन्य लोगों से पूछा कि वे उन्हें इन मुद्दों के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ठाकरे परिवार को गंभीर बातें नहीं बता सकते। आप केवल उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं और आप उन्हें सलाह नहीं दे सकते। आप शरद पवार से चर्चा कर सकते हैं, आप अजीत पवार से लड़ सकते हैं, लेकिन आप ठाकरे परिवार को कुछ नहीं कह सकते। उनके साथ चर्चा केवल एक तरफा होती है। महाराष्ट्र के सियासत में हर पल नई संभावनाएं पैदा हो रही है। एक तरफ जहां महाविकास आघाड़ी को बचाने के लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार एकनाथ शिंदे गुट सरकार को गिराने की कोशिश में जुटा हुआ है। इन सबके बीच इस तरह की खबरें हैं कि आगामी शनिवार या रविवार तक महाराष्ट्र में नई सरकार बन सकती है। हालांकि यह सरकार बन पाएगी या नहीं, इसको लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। बावजूद इसके सूत्रों के हवाले से खबर है कि डील फाइनल हो चुकी है और बीजेपी ने बागी एकनाथ शिंदे के गुट के साथ विभागों का बंटवारा कर लिया है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच खबर मिल रही है कि शिंदे आज मुंबई पहुंचकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सकते हैं। सरकार बनाने को लेकर महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। खबर है कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से सियासी हालात पर मंथन करेंगे। हालांकि अभी बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। सूत्रों की माने तो अगली सरकार में बीजेपी अपने पास 29 मंत्री पद रख सकती है, पर यह भी तकरीबन तय है कि अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाएगा। खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस से संपर्क साधा था। उद्धव ने एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद 21 जून की रात देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया था और फोन पर बातचीत करते हुए पैचअप करने की कोशिश की थी। हालांकि शिवसेना का कहना है कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच कोई बात नहीं हुई है। उद्धव को जो बात करनी है सामने करेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के बाद इस्तीफा भी देने वाले थे, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उन्हें ऐसा करने से रोका। दूसरे दिन भी मंत्रालय में सेक्रेटरीज को संबोधित करने के बाद उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन एक बार फिर शरद पवार ने उद्धव को इस्तीफा देने से रोका। दरअसल जिस तरह से शरद पवार उनके पीछे खड़े हुए, उससे उनकी हिम्मत बढ़ी। फिर एकनाथ शिंदे की बगावत में कुछ कानूनी खामी भी दिखी। इसके बाद ठाकरे की रणनीति बदल गई। उद्धव ठाकरे का आकलन यह रहा कि अगर वे संकट को कुछ दिनों तक टालने में सफल हो जाते हैं तो शिंदे गुट में बेचैनी बढ़ सकती है। उधर शिवसेना का कहना है कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच कोई बात नहीं हुई है। उद्धव जो बात करनी है वो सामने करेंगे।
अभिनेत्री कंगना रनौत की जब से धाकड़ फ्लॉप हुई तब से वह नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि जावेद अख्तर की दायर याचिका मामले में सोमवार 27 जून को कोर्ट में भी पेश नहीं हुई। इसके बाद गीतकार के वकील जय भारद्वाज ने कोर्ट में ये अपील की कि एक्ट्रेस कई बार पेश नहीं हुई है, इसलिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि वह 4 जुलाई को अदालत में पेश होंगी। केस की भी सुनवाई 4 जुलाई की शाम 4 बजे होगी। दरअसल साल 2020 में कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के खिलाफ एक विवादित स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने गीतकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद जावेद अख्तर ने कोर्ट में कंगना के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था। फिर सुनवाई अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुरू हो गई। गीतकार का दावा था कि 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के किसी ग्रुप के बारे में बात करते हुए उनका नाम लिया था। हालांकि कंगना ने भी जावेद अख्तर के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इसमें एक्ट्रेस ने उन पर जबरन वसूली, निजता का हनन करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही मानहानि केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी अपील की थी। उनका कहना था कि इस केस की सुनवाई में मजिस्ट्रेट निष्पक्ष नहीं थे, लेकिन बाद में ये याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। वैसा देखा जाए तो कंगना इस केस की अधिकतर सुनवाई में कोर्ट नहीं गई। ऐसे में कई बार उनको कोर्ट से फटकार भी लगाई जा चुकी है। सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। 2 भाइयों के परिवार के 9 सदस्यों की मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या का है। पुलिस के मुताबिक एक तांत्रिक और उसके ड्राइवर ने जहर देकर परिवार के 9 सदस्यों को मार डाला। ऐसे में इस दिल दहला देने वाले कांड में तंत्र मंत्र के एंगल को भी पुलिस ने खंगाल रही है। पुलिस ने सोमवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था। परिवार के सदस्यों के शव 20 जून को महसिल गांव में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोनों भाइयों के घरों में मिले थे। इनमें एक शिक्षक और दूसरा पशु डॉक्टर था। इस इलाके में कर्ज की वजह से खुदकुशी के मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में शुरुआती जांच के दौरान पुलिस भी कर्ज में डूबे होने की वजह से आत्महत्या करने की थ्योरी पर चल रही थी। कोल्हापुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार लोहिया ने कहा कि हमने एक तांत्रिक और उसके ड्राइवर को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि दोनों ने कथित तौर पर परिवार के 9 सदस्यों को जहर देकर उनकी जान ली। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। तांत्रिक और उसके ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा रही है, ताकि इस घटना के बारे में क्रमवार जानकारी मिल सके। पंजाब में संगरूर लोकसभा उपचुनाव से पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं त्रिपुरा में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी चोट पहुंची है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार कंपनियों की जमकर क्लास लगाई। वहीं भारत में पाकिस्तान के 4 दूतावासों के ट्वीट खातों को बंद कर दिया गया है। तो उधर विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने राज्य सरकारों से अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने की मांग की है। इस बीच संसद के इस मॉनसून सत्र में मोदी सरकार सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी में है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पंजाब में संगरूर लोकसभा उपचुनाव से पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं त्रिपुरा में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी चोट पहुंची है। दरअसल पंजाब में सीएम भगवंत मान अपनी छोड़ी हुई लोकसभा सीट संगरूर ही नहीं बचा पाए। इस हार के बाद अब लोकसभा में आपका एक भी सांसद नहीं बचा। वहीं टीएमसी को त्रिपुरा में करारा झटका लगा, जहां पार्टी ने पिछले कुछ महीनों से पूरी ताकत झोंक रखी थी। रविवार को आए उपचुनाव के परिणामों ने आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों दलों को अपनी राष्ट्रीय हसरतों के बारे में आत्ममंथन करने का संकेत दिया है। पंजाब में रिकॉर्ड जीत के बाद आम आदमी पार्टी तमाम दूसरे राज्यों में आक्रामक तरीके से पैर पसारने की कोशिश कर रही है। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ खुद भगवंत मान भी लगे हुए थे, लेकिन पंजाब का नतीजा अब पार्टी को प्राथमिकता तय करने के लिए मजबूर कर सकता है। इस साल के आखिर में होने वाले हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से आपको बहुत उम्मीद है। इसी तरह गोवा के बाद त्रिपुरा में लगे झटके से टीएमसी को एहसास हो गया है कि अपने मजबूत गढ़ के बाहर पैर पसरना उतना आसान नहीं है जितना कुछ महीने पहले लग रहा था। वही ममता बनर्जी की इस आक्रामक राष्ट्रीय हसरत का
दूसरा साइड इफेक्ट यह भी हुआ है कि वह खुद विपक्षी गुंटों में अलग पड़ने लगी है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे दोनों दलों को एक रियलिटी चेक तो दे ही गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार कंपनियों की जमकर क्लास लगाई। गडकरी ने कहा कि कुछ कार निर्माता डबल स्टैंडर्ड अपना रहे, वे भारत में बेची जाने वाली कारों में सेफ्टी फीचर्स नहीं दे रहे, जबकि निर्यात के लिए बन रही गाड़ियों में ये फीचर्स दे रहे। गडकरी की यह टिप्पणी यह एयरबैग को अनिवार्य बनाने की सरकार की योजना की कुछ कार निर्माताओं द्वारा आलोचना करने वाली टिप्पणियों के बीच आई है। मंत्रालय को अभी कारों में 6 एयरबैग्स के लिए अंतिम अधिसूचना जारी करनी है। गडकरी ने कहा कि हमने कारों में यह एयरबैग को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है, यहां तक कि इकोनॉमिक मॉडल में भी अब कुछ कंपनियां भारत में ऐसी कारें बना रही है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है, लेकिन वे उसी मॉडल को विदेशी बाजारों के लिए मानकों के अनुरूप बना रही है। मुझे यह भी समझ नहीं आता। गडकरी ने कहा कि सभी कारों में 6 एयरबैग्स अनिवार्य करने का कदम भारतीय सड़कों को सुरक्षित बनाने के प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें ऐसे फैसलों के महत्व को समझने की जरूरत है। जब भारत में बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं से मौतें हो रही है तो वाहन निर्माता इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे। गडकरी ने कहा कि कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां कारों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड लगातार विरोध कर रही है, जबकि यह फैसला किसी का जीवन बचाने वाला है। भारत में पाकिस्तान के 4 दूतावासों के ट्विटर खातों को बंद कर दिया गया है। आरोप है कि इन ट्विटर हैंडल से झूठी खबरें और दुष्प्रचार किया जा रहा था। पाकिस्तान के तुर्की, संयुक्त राष्ट्र, ईरान और मिस्र स्थित दूतावासों के अकाउंट पर यह कार्रवाई की गई है। वही बताया जा रहा है कि ट्विटर खातों पर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से 2 ट्वीट किए गए, जिसमें भारत में ट्विटर द्वारा ईरान, तुर्की, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूतावासों के अकाउंट को बंद करने के बाद खातों को तत्काल बहाल करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान का दावा है कि कई और अकाउंट को भारत ने बैन कराया है। यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के किसी ट्विटर खाते को बंद किया गया है। इससे पहले भी ट्विटर ने पाकिस्तान में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक रेडियो पाकिस्तान के अकाउंट को बंद कर दिया था। पाकिस्तानी दूतावासों के ट्विटर अकाउंट भारत के खिलाफ नफरत भड़का रहे थे। हाल ही में हुए नुपुर शर्मा विवाद में भी इनके ट्वीट आए थे। भारत ने नफरत फैलाने वाले कई अन्य अकाउंट को भी भारत में प्रतिबंधित कराया है। इससे पहले पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC के बहाने संयुक्त राष्ट्र में नुपुर शर्मा के पैगंबर पर दिए गए बयान का मुद्दा उठाया था। इस पर भारत ने करारा जवाब देकर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी थी। भारत ने कहा कि वह सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देता है और सभी धर्मों का सम्मान देता है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने राज्य सरकारों से अवैध धर्मांतर और लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि अवैध धर्मांतर मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध और हिंसा है। उन्होंने मंदिरों के कथित विध्वंस और सरकारी नियंत्रण अवैध धर्मांतर और हिंदू मान्यताओं व देवी देवताओं के खिलाफ कथित तौर पर बढ़ते नफरत भरे भाषणों पर चिंता जताई। जैन ने कांचीपुरम में हित की केंद्रीय शासी परिषद की 2 दिवसीय बैठक के समापन पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विहिप का मानना है कि अवैध धर्मांतर मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है और हिंसा है। कई लोग और संस्थाएं इस आपराधिक गतिविधि को अपना धार्मिक अधिकार मानकर सभी प्रकार के संवैधानिक और अनैतिक साधनों का उपयोग कर रही है। विहिप की बैठक में पारित एक प्रस्ताव में राज्य सरकार से अवैध धर्मांतर और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकारों से कड़े धर्मांतर विरोधी कानून बनाने का आग्रह किया गया। 2024 में अपनी 60वीं वर्षगांठ के लिए कार्य योजना की घोषणा करते हुए जैन ने कहा कि विहिप 1 करोड़ से अधिक सदस्यों को नामांकित करेगा और देश भर में 15 लाख कार्यकर्ताओं के साथ अपनी इकाइयों को बढ़कर 1 लाख करेगा।
संसद के इस मानसून सत्र में मोदी सरकार सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी में है। इस बिल में एक प्रावधान यह भी होगा कि जिन बैंकों में निजी हिस्सेदारी हो उसमें सरकार अपना स्टेक पूरी तरह से वापस ले ले। इसी मकसद से सरकार बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 के मुताबिक पब्लिक सेक्टर के बैंकों में सरकार की 51% की हिस्सेदारी जरूरी है। सरकार ने इससे पहले प्रस्ताव रखा था कि उसकी हिस्सेदारी 51 की बजाय 26 ही रहेगी और वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब सरकार निजी सेक्टर की हिस्सेदारी वाले बैंकों से पूरी तरह से अलग होना चाहिए। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस विधेयक से एक मैकेनिज्म तैयार हो सकेगा। हम इस विधेयक को मानसून सेशन में भी ले सकते हैं और फिर कुछ अन्य मुद्दों पर काम किया जाएगा। कहा जा रहा है कि IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने के दौरान ऐसे कुछ सुझाव मिले थे कि सरकार को अपना स्टेक खत्म कर लेना चाहिए। वित्त मंत्रालय फिलहाल रिजर्व बैंक से निजीकरण की स्थिति में ओनरशिप समेत तमाम मुद्दों पर बात कर रहा है। मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी निजी बैंक में प्रमोटर की हिस्सेदारी 26% तक ही हो सकती है। अब तक सरकार ने किसी बैंक का नाम नहीं लिया है, लेकिन चर्चा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति इस सप्ताह के मध्य एशिया के दो पूर्व सोवियत देशों का दौरा करेंगे। यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश देने के बाद यह पुतिन की पहली विदेश यात्रा होगी। तो पाकिस्तान ने किसी देश का नाम लिए बिना ही दावा किया है कि 24 जून को चीन में आयोजित विकास वार्ता के उसके निमंत्रण को एक ब्रिक्स सदस्य ने रोक दिया था। वहीं चीन अब अंतरिक्ष में पहला सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो उधर यूक्रेन की महिलाओं के एक समूह ने रूस के खिलाफ युद्ध के लिए पैसे जुटाने के प्रयास में अपनी अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। इस बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के सामने चांद से आई एक तस्वीर ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रूस के राष्ट्रपति इस सप्ताह के मध्य एशिया के दो पूर्व सोवियत देशों का दौरा करेंगे। यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश देने के बाद यह पुतिन की पहली विदेश यात्रा होगी। उनकी इस यात्रा कई मायने में अहम है। एक तो उनके स्वास्थ्य को लेकर मिथक टूटेंगे तो पश्चिमी राष्ट्र व अमेरिका की भी भौहें तनेंगी। जानकारी के अनुसार पुतिन मॉस्को में बातचीत के लिए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो से मिलेंगे। इसके बाद वे दुशांबे में ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली राखमोन से मिलेंगे। राखमोन को पुतिन सबसे नजदीकी सहयोगी माना जाता है। वे तजाकिस्तान पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक हैं। पुतिन की बेलारूस जाने की भी योजना है। वे बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ एक फोरम में भाग लेने के लिए 30 जून और 1 जुलाई को बेलारूसी शहर ग्रोडनो का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसमें रूस और बेलारूस के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन इस दौरान बेलारूस में मिसाइलों को तैनात करने की औपचारिक मंजूरी भी दे सकते हैं। रूस के बाहर पुतिन की अंतिम ज्ञात यात्रा फरवरी में चीन की थी। इस दौरान पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। दोनों देशों के बीच तेल और गैस आयात को लेकर समझौता भी हुआ था, जिसके अंतर्गत तय हुआ था कि चीन पहले की अपेक्षा रूस से ज्यादा मात्रा में ईंधन का आयात करेगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच पाइपलाइन बनाने पर भी सहमति बनी थी। पाकिस्तान वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता में आमंत्रित नहीं किए जाने पर बेहद दुखी महसूस कर रहा है। पाकिस्तान ने किसी देश का नाम लिए बिना दावा किया कि 24 जून को चीन में आयोजित विकास वार्ता के उसके निमंत्रण को एक ब्रिक्स सदस्य ने रोक दिया था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में यह वार्ता बीजिंग में सम्पन्न हुई थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान का इशारा भारत की तरफ था। दरअसल ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। इसके हाल ही में एक वर्चुअल समिट हुई थी। पाकिस्तान का कहना है कि इस समिट में एक गैर सदस्य देश के तौर पर पाकिस्तान को भी भाग लेना था, लेकिन ब्रिक्स के एक सदस्य ने गैर सदस्य देशों के लिए बातचीत में पाकिस्तान की भागीदारी को ब्लॉक कर दिया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की भागीदारी को ब्लॉक करने वाला देश भारत था,
क्योंकि दोनों देशों के बीच हाल में समय में रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि संगठन की भविष्य की भागीदारी समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित होगी, जिसमें विकासशील दुनिया के समग्र हितों को ध्यान में रखा जाएगा और संकीर्ण भू राजनीतिक विचारों से मुक्त होगा। पाकिस्तान ने ब्रिक्स बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए चीन को बधाई भी दी। पाकिस्तान ने कहा कि हम विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने में चीन की भूमिका की सराहना करते हैं। चीन के साथ पाकिस्तान वैश्विक शांति, साझा समृद्धि और समावेशी विकास के लिए एक मजबूत आवाज रहा है। चीन जमीन के साथ साथ अंतरिक्ष में भी अपने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। वह अब अंतरिक्ष में पहला सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह परियोजना पहले से ही अपने शुरुआती चरण में है। खबर के मुताबिक चीन ने 2028 तक इसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। चीन अंतरिक्ष में अपनी गहरी पैठ जमाता जा रहा है। वह आसमान में सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र तो लगा ही रहा है, इससे पहले भी वह अपने पहले ही प्रयास में चंद्रमा से नमूनों को लाने में सफलता हासिल कर चुका है। इतना ही नहीं, ड्रैगन देश मंगल पर लैंडिंग और घूमने के बाद अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। सौर अंतरिक्ष स्टेशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बिजली और माइक्रोवेव में परिवर्तित करना है। उनका उपयोग कक्षा में चलने वाले उपग्रहों को शक्ति देने के लिए किया जा सकता है। सौर स्टेशन पृथ्वी पर और ऊर्जा के परिवहन में सक्षम होगा और यह प्रारंभिक चरणों में सफल परीक्षण से गुजरा है। अगर चीन अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा स्टेशन बनाने में सफल हो जाता है तो वह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में चीन धीरे धीरे आगे निकलता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष और ऊर्जा स्टेशन एक हॉटस्पॉट तकनीक होने की संभावना है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए अंतरिक्ष के अभियान की चल रही परियोजना में किया जाएगा। पावर प्लांट की क्षमता 10 किलोवाट होगी। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और देश की अर्थव्यवस्था कई दशक पीछे चली गई है। वहीं यूक्रेन के लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हुई है और लाखों लोगों की जिंदगी चलाने के लिए फौरन मदद की जरूरत है, जिसके लिए दुनिया भर के कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं यूक्रेनी महिलाओं के एक ग्रुप ने भी पैसा जमा करने के लिए एक अनोखे तरीके का ईजाद किया। यूक्रेन के महिलाओं के एक समूह ने रूस के खिलाफ युद्ध के लिए पैसे जुटाने के प्रयास में अपनी अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। इन महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अपने देश और अपने देश की सेना के लिए पैसे जमा करने के लिए ये कदम उठाया है, ताकि उनके देश की सेना रूसी सैनिकों से युद्ध लड़ना जारी रख सके। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की करीब 38 महिलाएं अलग अलग अंदाज में न्यूड फोटो खिंचवा रही है और उन्हें बेच रही है। न्यूड तस्वीरें बेचने का ये सिलसिला मूल रूप से नास्तालिया नास्को के एक ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि खार्किव में रहने वाले अपने एक परिचित की मदद के बदले वो अपनी नग्न तस्वीरें उसे भेजेंगी। पहले तो इसे मजाक के तौर पर लिया गया, लेकिन फिर ये काम के तौर पर लिया जाने लगा और अब 38 महिलाएं इस मूवमेंट से जुड़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जब नास्तासिया नास्को में ट्विटर पर ये ऑफर रखा तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर 23 साल की इस लड़की के पास दर्जनों जवाब आ गए और फिर यूक्रेन की महिलाओं के बीच न्यूड तस्वीरों को बेचने का कारोबार करने का ख्याल मन में आया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के सामने चांद से आई एक तस्वीर ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 4 मार्च को चांद की सतह से एक रहस्यमय रॉकेट टकराया था। इस टक्कर के कारण चांद की सतह पर एक डबल क्रेटर यानी 2 गड्ढे बन गए हैं। नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने चांद की सतह की तस्वीरें खींची है, जिसमें हमें असामान्य क्रेटर दिखे है। ये क्रेटर अगल बगल ही बने हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी चीज एक जगह गिरने से 2 जगहों पर गड्ढे नहीं बना सकती। रॉकेट की टक्कर से 2 क्रेटर बने हैं। पूर्वी गड्ढा 18 मीटर और पश्चिमी गड्ढा 16 मीटर व्यास का है। इस्तेमाल हो चुके रॉकेट में आमतौर पर मोटर के अंत में सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है, क्योंकि बाकी रॉकेट सिर्फ एक खोखला ईंधन टैंक होता है। लेकिन डबल क्रेटर बताता है कि चंद्रमा से टकराने पर इस वस्तु के दोनों सिरों पर बड़ा द्रव्यमान था। चांद पर किसी भी रॉकेट के हिस्से के टकराने से आज तक डबल क्रेटर नहीं बने हैं। अपोलो 13, 14, 15 और 17 के रॉकेट सैटर्न के हिस्से जब चांद से टकराए थे तो 35 से 40 मीटर व्यास के गड्ढे बने थे। रहस्यमय रॉकेट से डबल क्रेटर भी इन्हीं गड्ढों के पास बने हैं। ये रॉकेट कहां से आया, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई भी एजेंसी अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक नहीं कर सकती है।
लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष कबाड़ का एक टुकड़ा है जो वर्षों से चांद का चक्कर काट रहा था। सवाल एक बार फिर चीन को लेकर है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक मानकर चल रहे हैं कि चीनी रॉकेट आपस में यहां टकराए थे, लेकिन वह इसका खंडन करता रहा है। तो वीकेबी न्यूज की खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।